address plus the ID selector. So why we're using ID selector? The CSS style can be applied to an element with the specific ID by using ID selector. ID selector is used to identify an element that you need to style differently from the rest of other page. Okay. If you want to stylize the all the, so you define a style sheet for all the paragraph, but in between four paragraph, you want to one paragraph will display unique than the other paragraph. मैंने चार्टा पैराग्राफ पे मो स्टाइल से डिफाइन करी भी एंड आई वांट दैट वन पैराग्राफ वन सच पैराग्राफ विल देयर सो दैट विल डिस्प्ले इन अनदर वे सो दैट इज कॉल्ड एज अ आईडी सिलेक्टर तो सीएसएस स्टाइल कैन बी अप्लाई टू एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी बाय यूजिंग आईडी सिलेक्टर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट यू नीड टू स्टाइल डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेज. The ID selector is defined using the hashtag symbol. By using of hashtag symbol, we have to define the ID selector. Okay, so I will show you the example. So before that, I save it. So I start to write file, new project. Java web
So here I passed, suppose, 3 paragraph. सर हमें मेटा न लिखिले भी तो सेमिति भी हमें सेमिति जदी लिखिया भी सेमिति तो चलिबो सर मेटा रे किछ तो सेमिति नीडेड नहीं ना मेटा सेमिति नीडेड नहीं किंतु नीडेड जेता तमे रियली वेबसाइट टा को डेवलपमेंट करिवो मेटा टा माने तमको दरकार पड़िवो का मेटा अंडर रे तमे जहां कीवर्ड लिखिवो से कीवर्ड जर तमे वेबसाइट टा को जने सर्च तमे वेबसाइट बनि देलो तमे वेबसाइट टा को लोक जदी विजिट न करिवे तले से वेबसाइट रे रैंकिंग आसीबोनी माने आगु गासीबोनी ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କୋଉ ୱେରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ତ ସେଠି ଲେଖା ହବ ମେଟା ଅଣ୍ଡରରେ କିୱାର୍ଡସ୍ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ନର୍ମାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆର ଭିଜିବିଲିଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମକୁ ଦରକାର ପଡିବ ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସିଓ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ मेटा कीवर्ड रो बहुत दरकार अच्छे बुझे ना यस सर सेठे हमें देले कंट्रोल जेड पैराग्राफ This is paragraph 1. This is paragraph 2. Suppose here I define paragraph right. Color. Font size.
एठी मु लिखिबे आईडी इज इक्वल्स टू पी नेम नाउ आई रन द फाइल Just a bit. देखो इटे टू पैराग्राफ इट इज डिस्प्ले इन ए रेड कलर वन पैराग्राफ इट इज शोइंग यू इन ए ग्रीन कलर दैट मीन्स व्हाट वी आर डिफाइनिंग ए फॉर ऑल पैराग्राफ वी आर डिफाइनिंग ए रेड But in between the third paragraph is present, we want to stylize in a different than the others. It is going to be more different where we want to define it. So another PID equals to P name. So this is a paragraph three. Okay, so this display is a little bit different. बुझेला एनी डाउट सब आईडी नेम देले पैराग्राफ लिखले ऐसा सेडा कोन देखो एठी होची हमें तीनटा पैराग्राफ एठी यूज करले एचटीएमएल ले हमें एठी स्टाइल शीट देले सीएसएस अप्लाई करले माने जेतेटा जेते थरा हमें बॉडी अंडर रे जेतेटा पैराग्राफ यूज करिवा तो सबो पैराग्राफ रो कलर रेड आसीबो किंतु ता भितरे मु ओटे आईडी सिलेक्टर यूज करले आईडी सिलेक्टर डिफरेंट डिफाइन करिया को हास यूज कराला माने ए जो तीनटा पैराग्राफ भितरे मु गोटे पैराग्राफ टा को एम्ती डिफाइन करिया को चाहू छी जे जहार कलर टा हमर ग्रीन आसी तो ए आईडी को जे यूज करिवो ता कलर टा कोन आसी ऑटोमेटिक ग्रीन आसीला मे ए पी नेम टा कोठी यूज होला पैराग्राफ 3 रे तनो कलर टा कोन आसीला ऑलरेडी हमें डिफाइन कर दीजिए ग्रीन देखे दीजिए बुझेला यस सर अलिवा स्मृति बुझ पेलो यस सर
Then now comes to the class selector. So what is the work of class selector? So why it is used? The class selector, the CSS style can be applied to the group of element by using the class selector. The class selector is used when there is a need to apply the same style on the different element. माने मु गोटे सेम स्टाइल टा मु पैराग्राफ पे यूज करी सेम स्टाइल टा मु हेडिंग पे यूज करी सेम स्टाइल टा मु अलग किसी रे टैग अछि ता पे यूज करी तो सेति पे मु यूज करी क्लास सिलेक्टर माने ग्रुप द सेम स्टाइल ग्रुपिंग द सेम स्टाइल फॉर द डिफरेंट टैग द सीएसएस स्टाइल टैग कैन बी अप्लाइड टू द ग्रुप ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग the class selector is used when there is a need to apply the same element on the different type of element in the HTML document. Multiple element can be on the same class, hence you can set the particular style for many HTML element. So see that, is your example, you see, example, le paragraph pai mu same style use korchi, font size 20px, color red, font weight bold, H1 hela font size 20px, color red, font weight bold, font size 20px, color red, font weight is bold. For paragraph, heading 1 and heading 2, we are using the same style. The CSS class selector is saying that if you want to apply the same style to different tag, then we are using class selector. So now, how we have to use class selector, that thing I will display here. I define a name here. Class selector. Okay, so
here I define some paragraph. This is paragraph one. Now, I define a style tag here. Suppose it is H1. This is H2. This is S3. So here I define a style tag. I define class dot class CX. Okay. I suppose H1 is 1 2. S3 1 देखो कौन है हमें पाराग्राफ वन पाराग्राफ टू पाराग्राफ थ्री पाराग्राफ फोर चार्टा पाराग्राफ हमें डिफाइन करले हमें एक क्लास सिलेक्टर यूज करले हमें गोटे सेम स्टाइल डिफरेंट एलिमेंट पे हमें एठी यूज करले एटा होची क्लास सिलेक्टर डिफाइन करे आप करले डॉट देन नेम पास कराला क्लास H1 पे मो ऐड करली H3 पे मो ऐड करली ओके तो तार कलर कौन आसला कलर टा केवल रेड आसला तो एसेमते हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी दे परियो क्लास सिलेक्टर बुझेला मैंने हमें सेम स्टाइल टा
different tag pa eti use kale. So that we are using the class selector here. Bujhela Aliba, Jayashri, Smruti. Yes, sir. Yes, sir. क्लास ही एक्स्ट्रा माने कौन से माने ए जो कॉलर डिक्लेअर करिया पे ना 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 एठी हमें कौन कले देखो एठी आउथरे बुझो छी बुझि पाइलो ने ये कहू छी जे धर ए स्टाइल ता देखो एडा कौन डिफाइन कराला फॉन्ट साइज 20 पीएक्स कलर रेड फॉन्ट वेट बोल्ड अर्थ होची सेंती एच1 ने भी सेम जिंस डिफाइन कराला फॉन्ट साइज 20 पीएक्स कलर रेड फॉन्ट वेट बोल्ड एच2 रे भी से डिफाइन कराला त मु पैराग्राफ रे सेम स्टाइल यूज करिया को चाहू छी हेडिंग 1 ने सेम स्टाइल यूज करिया को चाहू छी हेडिंग 2 रे भी सेम स्टाइल यूज करिया को चाहू छी ता कहबा कथा हला जे जदी मते सेम स्टाइल टा मु मल्टीपल जगह रे यूज करिया को चाहू छी ताहाले मुझे यूज करी कौन ना क्लास सिलेक्टर जो सेम स्टाइल टा मल्टीपल टैग पे मुझे यूज करने को चाहिए क्लास सिलेक्टर यूज करी क्लास सिलेक्टर जो यूज करी से क्लास सिलेक्टर डिफाइन करने को हेले आमको डिफाइन कर डॉट सिंबल ये जो एते थर जो डिफाइन कर डॉट सिंबल देन क्लास नेम ये डॉट सिंबल देन क्लास नेम जेकोसी नेम दे पार मु खाली गोटे एग्जांपल ने लेटी कलर टा रेड हो ओके तापर हमें एठे यूज करि परबा कोन बॉर्डर इज 2px सॉलिड रेड तो इन जमे मल्टीपल क्लास सिलेक्टर एठे हमें क्लास सिलेक्टर यूज करले सपोज जो एलिमेंट गुडा करले से माने बीसी कहले जे नाही हम मते अदर गोटे क्लास सिलेक्टर यूज करिवर अछि से कोन कला ना आ भीतर ए गोटा को यूज कला जो क्लास ई एक्स्ट्रा को ठी यूज कला तो क्लास सिलेक्टर ता ना एठे पगे बुझला जैसे बुझ पाइलो Yes, sir. इट आउट एक हम फ़ॉन्ट चेंज कर ची, वो भी अलग आया सिया, एक बॉर्डर आया सिया। So in addition, you also set the class selector in which way that only the specific HTML element should be get affected. So suppose I class use kole kaha ho? Suppose use ho, jodi matlab kote kali heading two pa idhar kare, paragraph pa idhar kare, tab mu a di down daro class tak hote de. Consider an example of the HTML element in your web page to be colored blue. This can be implemented by creating a class selector. However, you also want some specific paragraph tag to be colored. This can be done by creating a class selector, specific paragraph. Like we are defining a class selector, color one, color blue. But some of the specific paragraph will present. So that is
color with the red color. So P class equals to color two. So other class that we are using, color one, color two, this one, color one and color two. Okay, so it is for blue, and here in the color two, it is showing you red. This is called as the another class selector example. So here we change, here we change kar denge. So now check here. Change the name again. Better now. Come on, me.
paragraph 3 ta ikada blue color achi karon